अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 97। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू ऐड कैमरा एंड ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कैमरा किस तरह इंसर्ट करते हैं, एंड हाउ टू ऐड एनिमेशन मोशन पाथ, और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एनिमेशन पाथ कैसे देते हैं। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ और न्यू ड्राइंग्स लेता हूँ, यूनिट्स को सेट करता हूँ। ओके, और यहाँ से इसे मैं एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक व्यू में लेके जाता हूँ, एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ जिसका साइज हो एट द रेट 20 फिट, एंटर, और हाइट भी उसकी हो 20 फिट। ओके, जेड स्पेस ए स्पेस, ओके, मेरे पास बॉक्स ड्रॉ हो गया। यूसीएस आइकन को ओरिजिन पॉइंट के लिए यूसी एंटर, डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट, ओके। और मैं अब यहाँ पे इसको शेड भी देता हूँ, तो शेड के लिए मैं रियलिस्टिक शेड पे क्लिक करता हूँ। ओके, अच्छा, ये मेरा बॉक्स जो है तो ये नीचे ड्रॉ हुआ है, तो इसके लिए मैं बॉक्स पे क्लिक करूंगा और यहां से ड्रैग ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि वो नीचे की तरफ हो गया था। ओके, अब इस बॉक्स में मैंने यहाँ पे इसमें मटेरियल अप्लाई करने, तो मटेरियल के लिए मैं ब्राउज मटेरियल पे क्लिक करता हूँ। और याद रखें कि अगर मैं हर एक कॉर्नर पे अलग अलग से या इसके हर एक फेसेस पे अलग अलग से मटेरियल अप्लाई करना चाहूँ तो उसके लिए क्या तरीका है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। मैं विजुअलाइज पे क्लिक करता हूँ और मटेरियल पहले लाइब्रेरी ओपन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब इसको अलग अलग हर एक को अलग अलग से अपने मटेरियल अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, मॉडिफाई में क्लिक करके आप एक्सप्लोर कमांड पे से आप इसको एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करने के बाद आप हर एक को अलग अलग से मटेरियल अप्लाई कर लें, देखें। हर एक को अलग अलग से मटेरियल अप्लाई करता हूँ, शिफ्ट को प्रेस करके इसको रोटेट करें, और जो मटेरियल जो जी चाहते हैं आप वो मटेरियल्स पे अप्लाई कर लें। बॉटम में भी देता हूँ उसको, मटेरियल अप्लाई करता हूँ। ओके, तो मटेरियल अप्लाई हो गए जी, इसको क्लोज करता हूँ। कैमरे के ऊपर आप डिस्कस करते हैं, तो कैमरे के लिए आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे देखें विजुलाइज पे आपके पास कैमरा, आपके पास यहाँ पे जी कैमरा होगा, ये देख सकते हैं कैमरा। अगर ये कैमरे का ऑप्शन नहीं है आपके पास तो आप राइट क्लिक करेंगे अपने टैब के ऊपर, विजुलाइज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और शो टैब्स के नीचे आपके पास शो पैनल्स या पैनल्स में आप जाके अपने कैमरा को चेक कर लेना। देखिए मैं अनचेक करता हूँ तो मेरे पास कैमरा हाइड हो जाएगा, कैमरा भी सामने नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे शो पैनल्स पे क्लिक करके कैमरा पे क्लिक करेंगे, कैमरा आ जाएगा। तो उसके अलावा अगर एनिमेशन नहीं हो तो एनिमेशन को भी आप ऐसे एक्टिव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हमारे पास है जी क्रिएट कैमरा, तो क्रिएट कैमरा पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने अपने कैमरा को क्लिक करना है और डिस्टेंस देना है, तो मेरे पास 62 के डिस्टेंस पे आप देख सकते हैं, 54 के डिस्टेंस में है। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा कम डिस्टेंस देता हूँ और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको जिस एरिया पे कैमरा अप्लाई करना चाह रहे हो आप वहाँ पे ले आओ। तो मैं इसको सेंटर पॉइंट में, यहाँ पे इस पॉइंट में मैं कैमरा अप्लाई करना चाह रहा हूँ, एंड एंटर करता हूँ मैं। ओके, एंटर जो ही किया, अब देखता हूँ इसको कैमरे के लिए, तो इसके लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो आपको यहाँ पे देखें कैमरा बता रहा है लेकिन ये वायर फ्रेम में बता रहा है, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से रियलास्टिक पे क्लिक करके देखें तो आपको देखें ऑब्जेक्ट का जहाँ पे जिस कॉर्नर में कैमरा अप्लाई किया हुआ है तो वो कॉर्नर आपको बता रहा है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखें। अब मैं इसको शिफ्ट को प्रेस करके इसको रोटेट करके आपको बताता हूँ, तो मेरे पास जो कैमरा अप्लाई किया हुआ है सिर्फ इस कॉर्नर पर अप्लाई किया हुआ है, देख सकते हैं। तो इसी कैमरे की प्रॉपर्टीज में आप जाएं, व्यू में जाके आप इसी प्रॉपर्टीज में जाके इस पर और भी काम कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि आप यहाँ से व्यू में क्लिक करें और व्यू पे क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें, प्रॉपर्टीज आ जाएगी और इस प्रॉपर्टी में देखें एक्स एक्सेस में कौन सी डायरेक्शन में कैमरा है, वाई एक्सेस में कौन सी डायरेक्शन में, तो ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने का तरीका है, एक्स एक्सेस में 90 जो हमारे पास कैमरा एक्स एरिया में आप देख सकते हैं, तो एक्स में हमारे पास 90 में है और आप इसको चेंज कर सकते हैं। वाई एक्सिस में कितने जी हमारे पास कैमरा जी, वाई एक्सिस में 1.5 है, तो
तो आप इसको 5 कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल इसको 1.5 की जगह मैं 2 करता हूँ, 2 की डायरेक्शन देता हूँ, 2 फिट की डायरेक्शन देता हूँ, तो आप देखें थोड़ा सा हमारे पास रोटेट हो गया, देख सकते हैं। इसको और भी ज़्यादा करना चाहें तो आप यहाँ से और भी कर सकते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ, मैं चाहता हूँ 5 फिट की डायरेक्शन आ जाए, देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा और रोटेट हो गया, देख सकते हैं। और उसके अलावा टारगेट एक्स है, वाई है, जी है, जी में 0 है तो जी में 5 करता हूँ, देखते हैं क्या करते हैं, देख सकते हैं 5 में हमारे पास कितना ज़्यादा इसमें चेंजिंग आई है, 10 करता हूँ, देख सकते हैं जेड एक्सेस भी हमारे पास यहाँ पे 10 बता रहा है इस कॉर्नर से। उसके उसके अलावा फील्ड ऑफ व्यू है 40 है, तो आप इसकी फील्ड ऑफ व्यू चेंज कर सकते हैं। लेंथ है, लेंथ 50 है, तो आप इसको 100 करें तो देखिएगा कि हमारे पास ये थोड़ा करीब होके आपको नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा आपके पास जी फील्ड व्यू 20 है, तो इसको आप करें जी 50 करें। और फील्ड व्यू से क्या है कि आपकी सी व्हील बढ़ गई है, प्लॉट नो, अच्छा फ्रंट प्लान है और बैक क्या क्लिपिंग है ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके रोल एंगल है, इसको आप एंगल में रोटेट करना चाह रहे हैं, एंगल देते हैं 45, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे थोड़े से एंगल में हमारे पास रोटेट हो जाएगा, यहाँ से रोट एंगल में नहीं हुआ हमारे पास, 45 करता हूँ, देखिए देखिए हमारे पास यहाँ से व्यू में आपको नज़र आ रहा होगा कि 45 एंगल में ही रोटेट हो गया, तो मैं इसको 0 करता हूँ, इस एंगल को 0 करता हूँ। ओके तो ये जी कैमरे की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो ये हमारे पास कैमरा अप्लाई हो गया। अब इस तरह और भी कैमरा अप्लाई करना है तो आप और भी अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आप दोबारा व्यू में आप सॉरी विजुलाइज पे क्लिक करेंगे और कैमरा पे क्लिक करेंगे, और इस कॉर्नर से भी आपने कैमरा देना है तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैं कंप्लीट प्रोजेक्ट देना चाह रहा हूँ, एंटर करता हूँ तो आप देखें कैमरा मेरे पास आ गया, डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं मेरे पास कैमरा, क्योंकि अब ये बहुत दूर से आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत दूर है तो इस वजह से यहाँ पे कैमरा इसने ऐसा दिए, देख सकते हैं। अब इस कैमरे को करीब से लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखिएगा, देखें कितना दूर कैमरा रखा हुआ है, तो इसको यहाँ से आप मूव कर लें आगे, देखिए आपका ऑब्जेक्ट भी मूव होकर आगे आ रहा है, देख सकते हैं साइज़ का छोटा करने कैमरे का, तो यहाँ से आप छोटा कर लें और देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा अप्लाई हो गया, देख सकते हैं। तो ये कुछ डायरेक्शन है कैमरे की, कुछ टेक्निक्स हैं कैमरा अप्लाई करने की, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रंट से भी हूँ तो फिर भी मुझे जो कैमरा नज़र आएगा तो देखिए वो ऐसे ही नज़र आएगा, देख सकते हैं। और इस कैमरे पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला कैमरा नज़र आएगा आपको, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप मल्टी कैमरा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था जी कैमरा और कैमरे के ऊपर हमने डिस्कस किया। अच्छा कैमरे को हाइड ये शो करने के लिए आप यहाँ से इस बटन पे क्लिक करेंगे नीचे, तो क्लिक करें तो कैमरा हाइड हो गया, वापस लाना चाहते हैं वापस आ जाएगा कैमरा। ओके अब नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो एनिमेशन पाथ देना है, तो उसका क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या तरीकाकार है, उसके लिए मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं टॉप टॉप व्यू में लेके जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टॉप व्यू में लेके आया हूँ, और इस पे अब मैं यहाँ पे एनिमेशन इस पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो एनिमेशन के लिए एनिमेशन पाथ है, क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो आपको यहाँ पे क्या रहा है पॉइंट का ऑप्शन दे रहा है, पॉइंट का पाथ का ऑप्शन दे रहा है, तो पाथ पहले आप दें, तो मैं इस पे पाथ देता हूँ, उसके लिए मैं लाइन लेता हूँ पी एल पॉलीलाइन लेता हूँ एंटर, और यहाँ से मैं पी एल एंटर, आपने जो भी एरिया देना है मोशन पाथ देना आप दे सकते हैं, मैं यहाँ से स्ट्रेट मोशन पाथ दे रहा हूँ उसको बस, और इसको दोबारा अपने व्यू में लेके जाता हूँ। ओके अब ये बहुत ज़्यादा करीब है तो मैं इसको दूर करना चाहूँ तो दूर भी कर सकता हूँ, क्योंकि अब करीब से जो मेरे पास कैमरा लेगा वो सही नज़र नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल इस पे दोबारा टॉप पे आता हूँ और पॉलीलाइन लेता हूँ, ओके अब इस पे अप्लाई करके देखते हैं जी मोशन पाथ और रेंडर किस तरह करेंगे इसको, वो भी आपको तरीका बताऊंगा आज मैं। एनिमेशन पाथ पे क्लिक करें, तो पाथ अगर आप देंगे तो पाथ के लिए आपने पूरा अपने ऑब्जेक्ट्स अपने एरिया सेलेक्ट करना होगा तो वो उस पाथ पे चलेगा, लेकिन आप चाहते हैं किसी पॉइंट से स्टार्ट हो, लिंक लिंक जो दें तो वो किसी पॉइंट से स्टार्ट हो, तो मैं यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और इस बटन पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने में इसको ये वाला पॉइंट देता हूँ कैमरे के लिए और इसको पॉइंट 1 का नाम देता हूँ। अब दूसरा जो ऑप्शन है उसमें पाथ दूंगा, मैं चाहता हूँ कि इस पाथ के ऊपर हमारे पास जो कैमरा है ये मूव करे, तो उसके लिए मैं ये वाला पाथ सेलेक्ट करता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ और ये वाला पाथ सेलेक्ट करूंगा और पाथ 1 इसको मैंने दे दिया। प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ अब मैं,
तो आप देखें तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू इसने दे दिया, और प्रीव्यू बहुत जल्दी में इसने दिया आपको। और यही प्रीव्यू अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ड्यूरेशन में देता हूँ 10 सेकंड की ड्यूरेशन देता हूँ। ओके करता हूँ, अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ, देखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ओके, तो ये इसने यहाँ से इस पॉइंट से ही मूव किया इसने। अब मैं पॉइंट नहीं दे रहा, अब मैं इसको पाथ दे रहा हूँ डायरेक्ट। तो पाथ पे क्लिक करें आप, और यहाँ से पाथ क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें, इसको ये वाला पाथ में देता हूँ। ओके, और टारगेट लिंक भी मैं इसको यही देता हूँ। ओके, अब प्रीव्यू करके देखता हूँ मैं। अब कैमरा मेरे पास मूव करेगा, और ये जो कैमरा मूव कर रहा है तो ये आप देखें कि हमारे पास इस एरिया में मूव कर रहे हैं, देख सकते हैं। और इसका पॉइंट हमारे पास इस तरह है, आप यहाँ से इसे मूव कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं और भी देखता हूँ, इस पर पाथ दे दिया, और मैं इसको देता हूँ जो फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेट है एज डिस्प्ले व्यू स्टाइल एज डिस्प्ले में देता हूँ कौन सा रियल रियलास्टिक हो, और पाथ हो दूसरे को मैं पॉइंट देता हूँ। पॉइंट क्लिक क्लिक करता हूँ, और मैं चाहता हूँ ये इस पॉइंट में। अब देखते हैं इस पे क्या काम करेगा, प्रीव्यू करता हूँ, देखें ज़रा, देख सकते हैं वो पॉइंट दे दिया इसने। देखें, ओके, तो ये हमारे पास ये कुछ टेक्निक्स होती हैं आपके ऑब्जेक्ट में काम करने की। अब यही काम आप फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है तो उस पर आप काम कर सकते हो। किस तरह आपने काम करना है वो भी आपको बताता हूँ। देखो आप सर, इसने पाथ और प्रीव्यू दे दिए। अब मैं फॉर एग्जांपल इसमें मैं इस तरह करता हूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास उसका मैं यहाँ से एक ये वाला ऑब्जेक्ट इसको मैं कॉपी करता हूँ सीपी। को मैं यहाँ पे रखता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ। या मैं यहाँ से टॉप व्यू में जाता हूँ, और इसको मैं यहाँ से देखिएगा कॉपी करता हूँ। यहाँ पे कॉपी किया मैंने, ओके। अब मैं और भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ जी। बॉक्स है, बॉक्स के बाद मैं सिलेंडर शेप ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉन शेप ड्रॉ करता हूँ। बल्कि मैं इसको सीपी एंटर, यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि जब कैमरा मोशन पास करके यहाँ से जाएगा यहाँ पे सामने ये नज़र आएगा, फिर ये वाला जो एरिया ये मैं आपको नज़र आए जी। फॉर एग्जांपल सी पी एंटर करता हूँ, मूव एम एंटर करता हूँ, फिर ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे भी इसको नज़र आए, फिर यहाँ से जब ये मूव करके जाए इस साइड पे तो यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट इसको नज़र आए। तो आप और भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके कर लीजिएगा, जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगी इसकी। यहाँ पे रखता हूँ मैं, और इस एरिया में जब ये मूव करे तो आपको यहाँ से ये वाला ऑब्जेक्ट नज़र आए। ये वाला एरिया, क्योंकि वो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा, फिर यहाँ से जब मूव करे तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे नज़र आए। कॉर्नर में, ओके, आप देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको मैं तरीका बताता हूँ। अपने पाथ जो जब देंगे आप यहाँ पे लाइफ पे मैं जाता हूँ, और यहाँ से मैं इसको जब मैं एनिमेशन पाथ देता हूँ और मैं पाथ इसको दूंगा, पाथ के लिए पाथ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से ये वाला पाथ देता हूँ इसको।
दो पाथ आप दे सकते हैं, यही पाथ देता हूँ मैं इसको। ओके प्रीव्यू करता हूँ, आप देखिएगा कैमरा मेरे पास यहाँ से मूव हो रहा है, और देखें यहाँ से आ गया। और इसको मैं थोड़ा सा साइज में, थोड़ा सा इसमें टाइम भी, थोड़ा सा टाइम भी बढ़ा देता हूँ, 15 सेकेंड तक चले। प्रीव्यू करता हूँ आप, देखिएगा ये यहाँ से चल रहे, सामने वाला एरिया उसको नज़र आ रहा है, देख सकते हैं ये यहाँ से मूव होगा, ये वाला सामने वाला एरिया उसको नज़र आएगा, देख सकते हैं ये यहाँ से इस साइड भी मूव होगा, तो यहाँ पे सामने कोई जो ऑब्जेक्ट है वो उसको नज़र आएगा, लेकिन सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ से मूव करेगा तो ये ऑब्जेक्ट उसको नज़र आएगा, देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक पाथ है, एक पूरा आप अपने ऑब्जेक्ट को पाथ दे सकते हैं। पाथ देने के बाद आप इसको कॉपी सेव करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको प्रीव्यू के बाद ओके करेंगे, और आपसे कह रहा है कि आपने सेव करना है, रेंडर करना है, तो आप डेस्कटॉप पे इसको फॉर एग्जांपल WMV फाइल में ये हमारे पास सेव हो जाएगा। तो डेस्कटॉप पे सेव करना चाहिए तो डेस्कटॉप पे आप इसको सेव कर सकते हैं, सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास देखिए रेंडर हो रहा है, देखें रेंडर हो रहा है, और आपके पास कंप्लीट ही सेव हो जाएगा आपके पास ऑब्जेक्ट। तो ये तो कैमरा, और कैमरे में आप किस तरह अपने ऑब्जेक्ट को एनिमेशन पाथ दे सकते हो। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। डेस्कटॉप पे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको वीडियो फॉर्मेट में ही ओपन होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।